सिलसिला कुछ यूं है कि ये एल्गोरिथम ब्रेकफास्ट सर्च कैसे काम करेगा। बेटा डिपेंड करता है तो आपके बजट पे। अच्छा जी, तो ये एक 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 ना एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इसमें हम उसको नाम देते हैं फ्रिंज। फ्रिंज, अब फ्रिंज क्या चीज है ये मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर है वो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सबको? एक स्ट्रक्चर है उसको हम नाम दे रहे हैं फ्रिंज। काम क्या है उसका समझ लें, हम ना अपनी नोट्स को फ्रिंज के अंदर स्टोर करते रहेंगे। और फ्रिंज के अंदर फॉर BFS हम लगाते हैं क्यू स्ट्रक्चर। क्यू स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे ही है। अब देखिए काम कैसे करेगा। सबसे पहले आपने A को पिक किया और A से पूछा क्या आप हमारी गोल स्टेट हैं। A ने हमें जवाब दिया कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ए को फ्रिंज में रखते हैं और ए को बाहर निकालते हैं और से देखिएगा और ए से पूछते हैं कि आप हमारे गोल स्टेट है, वो कहता नहीं, तो ए के जो चाइल्ड है वो फ्रिंज के अंदर स्टोर कर देते हैं। और किस ऑर्डर में करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट राइट चाइल्ड सेकंड, लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट राइट चाइल्ड सेकंड, मतलब लेफ्ट टू राइट फ्रिंज के अंदर रखते हैं और यहां से ए को डिलीट कर देते हैं। अब हम टिकी को नहीं देख रहे, हम फ्रिंज से कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, फ्रिंज के अंदर जो लॉजिक लगी हुई है वो लगी हुई है BFS के अंदर क्यू, तो अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक हमें नेक्स्ट चाइल्ड दो, नेक्स्ट नोड दो, तो वो हमें नेक्स्ट नोड देगा बी, ऐसा ही है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सही कह रहा हूँ गलत? रुक तो जाए बेटा, बी दे दिया उसने इनपुट, इसको चेक कर लो। हम बी से पूछेंगे क्या आप हमारी गोल स्टेट है, वो कहेगा नहीं, तो हम बी से कहेंगे कि अपने चाइल्ड को, बी को कहेंगे अपने चाइल्ड को आप फ्रिंज के अंदर स्टोर कर दो, लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट राइट चाइल्ड सेकंड, तो डी ई और एफ, जिट क्लियर, और यहां से बी डिलीट हो जाएगा, क्लियर। अब मजीद उससे कहेंगे कि भाई आप नेक्स्ट चाइल्ड दो, तो नेक्स्ट नोड जो है वो सी है, सी हमारा आंसर नहीं है, सी यहाँ से डिलीट हो गया और सी के चाइल्ड को हम यहाँ स्टोर कर देंगे जी और एच। हमारे पास चूंकि जगह नहीं है तो हम नीचे एक्सपेंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चाइल्ड कौन सा है, डी, तो डी बाहर आ जाएगा और डी भी हमारा आंसर नहीं है और डी का कोई चाइल्ड नहीं है तो मजीद कोई चीज स्टोर नहीं हुई। फिर नेक्स्ट चाइल्ड है ई, वो बाहर आ गया और उसके जो चाइल्ड है वो है आई और जे। आई और जे, तो आई बाहर आ गया, सॉरी आई को स्टोर कर दिया, जे को कर दिया और भी बाहर आ गया। फिर एफ आया बाहर, तो एफ के जो चाइल्ड है वो है के और एफ यहां से डिलीट हो गया। जी बाहर आया, उसके चाइल्ड है एल और एम और फिर एच बाहर आ गया और एच हमारा आंसर। इज इट क्लियर? ट्रैवर्सिंग समझ में आई, इसकी लॉजिक समझ में आई, एक दफा देख ले इसको।
अब सवाल वही आ जाता है घूम फिर के, कि सर ये तो समझ में आ गया, अब सर वो अब मुझे पहले सवाल का जवाब दें कि बताइए आपके हिसाब से बीएफएस कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट है या नहीं है? आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपको लगता है ये बीएफएस एल्गोरिथम कंप्लीट है या नहीं है? या तो आपका सवाल का जवाब होगा यस या नो, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है और सबने आंसर करना जो आपको समझ में आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कंप्लीट नहीं है, पहले तो उनसे सवाल यह है कि बेटा कंप्लीट की डेफिनेशन क्या है। क्या कंप्लीट की डेफिनेशन ये नहीं है कि एक आंसर मौजूद हो और आपका एल्गोरिथम गारंटी दे आंसर लाने की? तो आपके सामने जो एग्जांपल है उसमें आंसर तो आ गया, तो फिर आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि कंप्लीट नहीं है? तो फिलहाल ये कंप्लीट है। अब डेप्थ बात करते हैं सर, चलें इस एग्जांपल में तो ये कंप्लीट है, क्या तो हर एग्जांपल के अंदर ही कंप्लीट होगा? तो इसका जवाब है यस। क्यों यस? देखें गौर से देखिएगा इसकी लॉजिक क्या है, बीएफएस की ये कैसे काम करता है। ये लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, लेवल ऑर्डर। इसका मतलब है ये ऊपर से स्टार्ट करता है नोट से, रूट नोट से, और हर लेवल को चेक करते हुए जाता है कि भाई उसमें मेरा आंसर मौजूद है या नहीं। हर नोट को नहीं, हर लेवल को, हर नोट पे, हर लेवल पर हर नोट को विजिट करता है, ठीक है। लेकिन लेवल क्या हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस लेवल पे खड़ा हूं तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि इस लेवल पे आंसर नहीं था? अगर मैं इस लेवल पे खड़ा हूं तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि इस लेवल पे आंसर नहीं था? बेटा जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वो सुन लीजिए। एक मिनट सफिया, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। अगर मैं फोर्थ लेवल पे खड़ा हुआ हूं तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि थर्ड लेवल पे आंसर नहीं था जब भी फोर्थ पे आया हो? सब लोग एग्री करते हैं इस बात से? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये कंप्लीट है, क्योंकि अगर आंसर होगा तो ये एक एक चीज चेक करते हुए आ रहा है, तो आंसर तो मिस ही नहीं हो सकता इससे। इज इट क्लियर? अब दूर हो गरीब हो, यह हमारा मसला नहीं है फिलहाल, हम सिर्फ आंसर ढूंढने की बात कर रहे हैं। तो अगर आंसर मौजूद है तो इसकी नजरों से नहीं बच सकता, क्योंकि इसका तरीका ऐसा है कि ये हर लेवल को चेक करते हुए आ रहा होता है। अब क्लास में बैठे मैं 100 लाइन है, मैं हर लाइन में चेक करते हुए जा रहा हूँ, मिस नहीं हो सकता मुझसे। इज इट क्लियर? पहली बात हो गई, ये कंप्लीट है, ठीक है बेटा। दूसरी बात है, क्या आपके ख्याल में ये ऑप्टिमल है या नहीं है? सोच के बताइएगा ऑप्टिमल। पहले ऑप्टिमल की डेफिनेशन सोच लें फिर बताइएगा। बेस्ट नहीं लाया, बेस्ट का मतलब क्या है हसनैन? क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं है? जल्दी बताइए जल्दी सब लोग, बेस्ट सॉल्यूशन तो बताएं आप, ये ऑप्टिमल है या नहीं है? आपके सामने इस प्रॉब्लम के अंदर कितने आंसर मौजूद थे? तो अभी आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि सर ऑप्टिमल नहीं है? एक आंसर तो आपने लाके दे दिया, ये बात तो आप जब करेंगे ना जब ऑप्टिमल दो आंसर हो। पहली बात अब फर्स्ट कर लीजिए, इसमें दो आंसर होते, एक एच हम यहां बना देते, तो मुझे बताएं
ये बेहतर है या ये बेहतर है आंसर? ये ऑप्टिमल, ये बेहतर है, सेकंड लेवल वाला बेहतर है, फोर्थ लेवल वाला बेहतर है, सेकंड लेवल वाला ऐसा ही है। तो हमारे एल्गोरिथम ने हमें क्या ला के दिया, सेकंड वाला है फोर्थ वाला? इसका मतलब है अगर आंसर यहां होता तो हमें ये वाला आंसर ला के देता या ये वाला फर्स्ट वाला? तो इसका मतलब है ऑप्टिमल हुआ ये, ऐसा ही है। लेकिन एक एक कंपैरिजन देख लें, अपन कर लीजिए ये वैल्यूज लिखी हुई है, लेकिन क्या BFS इन वैल्यूज के हिसाब से काम कर रहा है? नहीं कर रहा ना। तो अब वो मुझे कौन सा आंसर लाके देगा, ये वाला या ये वाला? यही वाला लाके देगा, ऐसा ही है बेटा। ये एलिमेंट भी नहीं देख रहा, ये लेफ्ट टू राइट देख रहा है, ये 20 वाला आंसर लाके देगा। तो मैं अगर पूछूं A से H जाने की टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलेंगे सर कितनी है, 20 + 10 = 30। बेटा A से H जाने की कॉस्ट कितनी है, 20 + 10 = 30। सही कह रहा हूँ गलत? इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं आप लोग, सिंपल उंगलियों के निशान नहीं बनाए मैं। तो ये जो हमें आंसर लाके देगा उसकी कॉस्ट आ रही है 30, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है जिसकी कॉस्ट कितनी है, सिर्फ 6। तो अब ये ऑप्टिमल नहीं है, अब ये ऑप्टिमल नहीं हुआ है ना, क्योंकि बेस्ट सॉल्यूशन तो ये वाला है। कंपैरिजन करें दोनों चीजों का, पहले एक एग्जांपल थी जिसमें वैल्यूज नहीं लिखी हुई थी तो ये ऑप्टिमल था, अब वैल्यूज लिख दी तो ये ऑप्टिमल हो गया। इसका मतलब है हम लोग इसको ऑप्टिमल तब कहते हैं जब पाथ कॉस्ट गिवन ना हो। हम BFS को ऑप्टिमल जब कहते हैं कि जब पाथ कॉस्ट गिवन ना हो या तमाम नोड की पाथ कॉस्ट बराबर हो, मतलब सब जगह एक ही नंबर लिखा हो, नंबर ही ना लिखा हो या सब जगह बराबर नंबर लिखा हो। इज इट क्लियर? अगर पाथ कॉस्ट नहीं है तो ये एल्गोरिथम ऑप्टिमल है, अगर पाथ कॉस्ट है और इक्वल नहीं है तो ये ऑप्टिमल नहीं है, फिर गारंटी नहीं है बेस्ट सॉल्यूशन की। इज इट क्लियर? तो आई बिलीव कि आपको कंप्लीटनेस और अब ऑप्टिमल डिटेल में समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अब आते हैं टाइम। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सारी कंपैरिजन बताऊंगा, कहीं आप समझे कि मैं इसको बिग ओ नोटेशन में करवाऊंगा और ये वो, ऐसा नहीं है कुछ। मुझे बताएं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, तो टाइम जितना लेता है और ऐसा ही है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जो स्पेस क्या होती है, इधर देखते हैं गौर से। मुझे बताएं कि फर्स्ट करें कि एक नोड को विजिट करने का टाइम है, यूनिट छोड़ दें, एक नोड को विजिट करने का टाइम है 2 नैनो सेकंड हो, पीको सेकंड हो, फेमटो हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो, कुछ भी 2 है। तो बताएं इसने कितनी नोड को विजिट करके आपको आंसर बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप बोलेंगे सर इसने तकरीबन मुझे 16 यूनिट का आंसर बता दिया, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी कि कितनी नोड को विजिट किया है आपने। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि 2 यूनिट्स होते हैं, हम लोग इसको ये इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि कम नोड को विजिट करें तो उसका लेस टाइम होगा, समझ में आ गई ये बात। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जितनी नोड को ये विजिट कर रहा था बाकी कितनियों को स्टोर करके रखा था, ये स्पेस है। देखो इनको विजिट नहीं किया इसने, इनको स्टोर करके रखा है, इसको नहीं पता यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इसने स्टोर करके रखा हुआ है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस क्या होता है, जो आप मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं जिस ऑर्डर में आपने इनको चेक करना है। और टाइम क्या होता है, जिनको आप चेक कर चुके होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट?
देखिए फर्स्ट देखा, मैं एक मार्केट गया, मतलब मैं एक मार्केट नहीं गया, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे पास 10 ऑप्शन है। मतलब आप सपोज कर लें कि इसका ब्रांचिंग फैक्टर 10 है, हर नोड से 10 चाइल्ड बन सकते हैं, तो इससे भी 10 बनेंगे, इससे भी 10 बनेंगे, इससे भी 10 बनेंगे, ऐसा ही है। सही है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, ये बात समझ में आई जो मैंने बनाने की कोशिश की है, इसको और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, इसका ब्रांचिंग फैक्टर है 100, हर नोड से 100 चाइल्ड बन सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लेवल में 100 चाइल्ड होंगे, सेकंड लेवल में कितने चाइल्ड होंगे, सेकंड लेवल में कितने चाइल्ड होंगे, अल्लाह अकबर अल्लाह, इतना पढ़ाने के बाद भी फर्स्ट लेवल पे 100 है तो सेकंड लेवल पे कितने हो सकते हैं अगर 100 ब्रांचिंग फैक्टर है, सर गलत कह रहा हूं या सही, हर चाइल्ड के 100 होंगे तो इसके भी 100, सेकंड वाले की भी 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही है ना। तो आप सपोज कर लीजिए कि हम इस पे अब अगर हम और आगे चले फट कर लें, ये चलेगा ऐसा ही ना मामला, फट कर लेके मैं इस पे BFS लगा रहा हूं और जो मेरा मेंबर है वो यहां पर है, मतलब ये एक पहली नोड है, मेरा एक मेंबर यहां पर, और फिर मैं थर्ड लेवल पे आया और एक मेंबर मेरा यहां पर, बाकी भी मौजूद है यहां पर, तो जब मैं फर्स्ट लेवल पे आऊंगा तो मैंने मेमोरी में 100 लोगों को रख दिया, ऐसा ही है, ऐसा ही है, 100 लोगों को रख दिया, सही कह रहा हूं गलत, मैं BFS लगा रहा हूं। अब आई बिलीव कि आपने पढ़ लिया है तो आप इसको समझ जाएंगे। अब मैंने इसको चेक, जैसे ही मैं इस पे आऊंगा यहां से एक निकालूंगा तो 99 बचेंगे, ये सब नाम लिखे हैं 99, ये मुझे कितने मेंबर देगा 100, ऐसे ही है, ऐसे ही बेटा, ये पहला मेंबर मुझे 100 दे देगा, 99 पुराने रखे हैं, ऐसे ही है। अब अगर ये 99 सारे चेक कर लूं तो मेमोरी में कितने लोग आ जाएंगे, 10,000, सही कह रहा हूं गलत, ये सब चेक होगा पहले लेवल के, जब ये चेक हो जाएंगे तो मेमोरी में कितने लोग रखे हुए होंगे, 10,000, और फर्ज कर लें ये आपका आंसर है, तो 10,000 में से एक कम करके 100 और ऐड कर लो, मतलब 10,000 ही रखो, ठीक है। तो जैसे ही मुझे ये आंसर मिलेगा, मैंने सिर्फ 101 नोट को विजिट किया, कितनी नोट को विजिट किया, 101, 100 ये वाली, 102 को, 100 ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, 102 को, लेकिन मेमोरी में कितने लोग रखे हुए, 10,000, इज इट क्लियर, मैंने टाइम कितना कंज्यूम किया, सिर्फ 102 यूनिट चेक किए, लेकिन मेरा मेमोरी में कितने लोग रखे हैं, 10,000। तो यहां मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो सकती है अगर ब्रांचिंग फैक्टर हाई हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब क्लियर। हर एल्गोरिथम के कुछ फायदे कुछ नुकसान हैं, कंप्लीट है, ऑप्टिमल है जब पाथ कॉज बराबर हो, लेकिन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की गारंटी नहीं है, तो अगर आपने कॉम्प्रोमाइज करना है टाइम और स्पेस में तो आप कंप्लीट और ऑप्टिमल की कहानी बर्दाश्त कर सकते हैं।
समझ में आ गया? ये देखें, ये BFS के बारे में लिखा हुआ, ये जब समझाया हुआ आपको, लेकिन जिस तरह से मैंने समझाया वैसे नहीं मिलेगा आपको। तो बेहतर ये है कि आप ये देखें, ये फ्रिंज है, फ्रिंज के अंदर जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो क्यू यूज हो रहा है। ये देखें, छोटी भी डायग्राम ली हुई है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ कंप्लीट फाइंड द सॉल्यूशन इवेंचुअली ऑप्टिमल इफ स्टेप कॉस्ट इज वन। देखें, डिसएडवांटेज मैंने आपको भी बताया कि द ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ अ नोड इज लार्ज और इवन स्मॉल इंस्टेंसेस, मतलब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना इनोमस है, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करती है। ये देखिए, एक एग्जांपल दी दी आपको, जो मैंने अभी आपको समझाई है। कह रहे हैं कि सपोज कर लीजिए कि ब्रांचिंग फैक्टर 10 है और 10,000 नोड्स पर सेकंड आप प्रोसेस कर सकते हैं। कम लिखा हुआ है लेकिन सपोज कर लें कि एक सेकंड में आप प्रोसेस कर सकते हैं 10,000 नोड्स, और एक नोड जो जगह घेर रही है वो है 1000 बाइट्स फॉर स्टोरेज। तो कह रहे हैं कि अगर फर्ज कर लीजिए कि आप डेप्थ 2 पे जाएंगे तो इतनी सारी नोड्स होंगी, आपको इतना टाइम लगेगा और इतनी मेमोरी चाहिए होगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 4 डेप्थ पे जाएं, 6 डेप्थ पे जाएं, 8 डेप्थ पे, इस कहानी को लेते हुए, तो आपको इतना टाइम लगेगा प्रोसेस करने में और इतनी मेमोरी लगेगी। तो देखिए, अगर आप 14 डेप्थ पे चले जाएं तो आपको 10^15 नोड्स चाहिए, इतने साल लग जाएंगे आपको और इतनी मेमोरी चाहिए होगी। ये तब बात हो रही है जब 10,000 नोड्स एक सेकंड में आप प्रोसेस करें। मैं आपको प्रूफ करने को नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन समझा रहा हूँ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि जिसकी वजह से आप इस एल्गोरिथम से अवॉइड करते हैं उन जगहों पे जहां पर स्पेस बहुत बड़ा होता है। इज इट क्लियर? आप यूज करना चाहते हैं करें, लेकिन कहां पर कर सकते हैं कहां पर नहीं कर सकते आपको आइडिया हो गया होगा। आगे बढ़ू। अच्छा, अब दूसरा एल्गोरिथम है जो BFS से मिलता जुलता ही है, उसका नाम है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ये कॉस्ट पे काम करता है, कॉस्ट को। तो मैं जितने भी एल्गोरिथम पढ़ाऊंगा आखिर में आपसे वही 4 सवाल पूछूंगा, टाइम स्पेस ऑप्टिमल कंप्लीट। ठीक है, पहले मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटा था ना, छोटी सी वो बना लेते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ। कॉस्ट लेते हैं इसमें 1/50। ये इस तरह से है और आपसे कह रहे हैं कि आप जाइए एस से जी पर। सही है, एस से जी पर जाएं। तो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं आपको एल्गोरिथम समझा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कैसे कर लें। तो जो एल्गोरिथम जैसे काम करता है मैं वैसे ही समझाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगता वो आपका मसला है, आप कुछ और यूज कर लें, लेकिन एल्गोरिथम हमें पढ़ने। ये कैसे काम करता है, ये कॉस्ट को कंसीडर करते हुए करता है। भाई आपको एस से स्टार्ट करना है, कहेगा एस के तीनों चार्ट बना दो। अब देखिए, तीन चाइल्ड लाइंस के, तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट बना रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सब एक जैसा काम करें। ठीक है, अब बताए एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है। एस से ए जाने की कॉस्ट कितनी है, 1, यहां 1 लिख दिया,
बी जाने की कॉस्ट कितनी है 5, यहाँ 5 लिख दिया, और सी जाने की कॉस्ट कितनी है 15, यहाँ 15 लिख दिया। बताएं सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, 1, तो हम 1 को चूज कर लेंगे। अब वो 1 इस वजह से चूज नहीं किया कि वो लेफ्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है, 1 इस वजह से चूज नहीं किया कि वो लेफ्ट पे लिखा हुआ है, 1 इसलिए चूज किया है क्योंकि वो सबसे छोटी कॉस्ट है। इज इट क्लियर? तो भाई आप ऐसा समझे कि ए की वजह से चूज कर लिया या लेफ्ट की वजह से चूज कर लिया, ठीक है। अब आप ए के चाइल्ड बताएं, ए के चाइल्ड कितने हैं, ए के 2 चाइल्ड है, लेकिन हम उस नोड को दोबारा नहीं बनाते जहां से हम आए होते हैं, ठीक है। तो बताएं एस से ए तक की कॉस्ट थी 1 और एस ए से जी तक की कॉस्ट है 10, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई 1 और 10 11। सबकी समझ में आ गया? अब आपके पास इस वक्त 3 रास्ते, आपको आंसर मिल गया, आपको कहां जाना था जी, आपको आंसर मिल गया, इस आंसर को सेव कर लें। बट ये यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, तो ये सिर्फ आंसर मिलने पे रुकता नहीं है, ये कहता है आंसर तो मिल गया लेकिन मैं ये देखूंगा इस वक्त सिस्टम में जितने पाथ जनरेट हुए हैं क्या मेरा आंसर जो आ रहा है उससे कम कॉस्ट का भी पाथ है। सवाल दोबारा सुन लीजिए, इस वक्त सिस्टम में जितने पाथ जनरेट हुए में हैं क्या मेरे आंसर से छोटा कॉस्ट के रेफरेंस से कोई पाथ है, तो इसको एक पाथ मिल गया एस बी। इज इट क्लियर और नॉट? सिर्फ एस बी, सिर्फ एस बी, अभी बेटा आगे नहीं बढ़े, सिर्फ एस बी मिला ऐसे, ठीक है। तो ये कहेगा कि भाई इस आंसर को मैंने सेव कर लिया लेकिन चूंकि ये पाथ की कॉस्ट मेरे पास से कम है तो मैं इसको मजीद एक्सपेंड करूंगा। इज इट क्लियर? अगर फर्ज कर लें कि ऐसे यहां लिखा होता 12 तो बस ये यही कहता था यही आंसर, अगर ये लिखा होता 12 तो ये कहता यही आंसर। इज इट क्लियर? तो इसने कहा कि मैं बी को इसको सर्च कर लिया स्टोर, तो हो सकता है आंसर ना मिले आगे, तो मैं यही डिक्लेयर कर दूंगा। अब ये देखें एस बी, इसने बी को ओपन किया जी और बी से 5 10 हो गया। अब इसने कहा कि भाई मुझे एक और आंसर मिल गया, इस आंसर को इस बात के आंसर को पिछले आंसर से कंपेयर करूंगा, ये कम है तो इसको अपडेट कर देता हूं 10। इज इट क्लियर? और अब ये दोबारा देखेगा क्या इस वक्त जो पाथ जनरेट हुए हैं उसमें मेरे से बेहतर कोई पाथ है, उसका जवाब मिलेगा नहीं, ऐसा ही ना, इसको जवाब मिला नहीं, तो बस ये इसी को आंसर डिक्लेयर कर देगा और एस बी जी इसका आंसर होगा। फर्स्ट करें यहां लिखा होता 7 तो ये मजीद इसको एक्सपेंड करता, इज इट क्लियर? जैसे फर्स्ट करें ये लिखा होता सी 7 और यहां डी, यहां लिखा होता डी लिखा होता 2, ठीक है, सपोज कर लें ये लिखा होता, इसको मजीद एक बेहतर आंसर मिलता, ये क्या करता इसको एक्सपेंड करता D और 7 और 6 13, आंसर यही है, अभी पाथ जो है उसकी वैल्यू 13 हो गई है, तो ये मजीद इसको एक्सपेंड नहीं करें। इज इट क्लियर? जहां इसको अपने आंसर से छोटी पाथ मिलता रहेगा कॉस्ट, ये उसको एक्सपेंड करता रहेगा, जहां बड़ी होगी वहां रुक जाएगा और अपने आंसर को आंसर डिक्लेयर कर देगा। ये काम ऐसे करता है, अभी ऑप्टिमल की तो बात ही नहीं हो रही। अब सवाल आपसे वही बताएं कंप्लीट है या नहीं है, बिल्कुल ये कंप्लीट है। कंप्लीट इसलिए है कि अगर आंसर होगा तो ये पीछे जाके भी नोट्स को विजिट कर रहा है, तो ये आंसर तो लाके देगा। इट क्लियर? ऑप्टिमल है? ऑप्टिमल है या नहीं है? ऑप्टिमल का मतलब होता है कि बेस्ट सॉल्यूशन, तो ये ऑप्टिमल है क्योंकि ये तो काम ही यूनिफॉर्म कॉस्ट पे कर रहा है, जब कॉस्ट को कंसीडर कर रहा है तो बेस्ट सॉल्यूशन ही लाके देगा, ऐसे ही है।
टाइम और इसका स्पेस जो है वो रीजनेबल है, ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से काम कर रहा है। क्या SC20 लिखेंगे? अच्छा जी, एक काम करते हैं, इसमें अब ये चेंजेस करके देखते हैं। हाँ बेटा वो बेहतर है ना, आगे जाएगा ही नहीं वो जब। अब अगर आपने, आप क्लास में ना विजिट कर रहे हैं, आप क्लास में विजिट कर रहे हैं, आपको टॉप का स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, आपको पहला स्टूडेंट मिलता है जिसकी जीपीए जो है वो है 3.7, आप उसको स्टोर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और स्टूडेंट मिलता है 3.8, आप इसको डिलीट करके 3.8 को याद रख लेते हैं, लेकिन आगे आपको 2.2 मिल रहा है, तो आप इसी को डिक्लेयर करेंगे आंसर। मुझे एक सवाल का जवाब दें, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अगर कोडिंग में इसको इम्प्लीमेंट करना हो? इसमें जो फ्रेंज में यूज किया जाता है वो किया जाता है पढ़ाए ना आपने, ये प्रायोरिटी क्यों? पढ़ाए नहीं पढ़ा? ये प्रायोरिटी के हिसाब से क्यू के अंदर स्टोर करता है, इट क्लियर? मतलब क्यू अपडेट करता है अपने आपको प्रायोरिटी के हिसाब से, मतलब क्या, ये देखें एस रखा अंदर, एस बाहर आ गया, ठीक है, एस के चाइल्ड अंदर रख दिए कॉस्ट के हिसाब से, तो ए बी सी, क्योंकि ए की कॉस्ट 1 है, बी की कॉस्ट 5 है, सी की क्या है 7, फिर अब बाहर कौन आएगा, ए बाहर आ गया और ए का जो चाइल्ड है वो है जी, तो जी यही आएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट 10 है। इस तरीके से अपने आपको अपडेट करता है, ठीक है, 11 हो गया, सॉरी 11 हो गया, इस तरीके से अपडेट करता है। आप जब बी को ओपन करेगा तो ये क्या करेगा, एस ए बी, और ये बी को जब बाहर निकालेगा तो बी का जो चाइल्ड है वो जी इधर आएगा विद 10 cos, तो ये अपडेट हो जाएंगे, ये पीछे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, मतलब पूरा पूरा पाथ लिखा जाता है, सिर्फ ये नहीं लिखा जाता बी सी, पूरा पूरा पाथ, मतलब अगर मैं इसको सब दोबारा समझाऊं तो ये ऐसे, पहले एस ए एस बी और एस डी, ऐसे स्टोर होते हैं, तो इसके बाद कॉस 1 है, इसकी 5 है, इसकी कितनी है 7, तो एस ए बाहर आ गया, ठीक है, अब एस ए जो है वो बाहर आके एस ए जी बन गया, और एस ए जी की कॉस्ट हो गई 11, तो ये यहां से डिलीट हुआ, अब कहाँ आना चाहिए 11 को, यहां आना चाहिए, और ये डिलीट हो गया। अब इन तीनों में से सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, एस बी, एस बी बाहर आया, यहाँ से डिलीट हुआ और एस बी जी ये बन गया 10। अब ये जब डिलीट हुआ यहाँ पर तो एस बी जी कॉस्ट के बीच में आ जाएगा अपने अपडेट, ये एस जी शुरू में आ जाएगा और ये एस बी जी यहाँ आ जाएगा, समझ रहे, सॉरी एस जी कह रहा हूं, ये एस सी का, ठीक है, तो ये इस तरीके से अपडेट करता है प्रायोरिटी को। मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से, अगर फर्ज कर लें ये सारी कॉस्ट बराबर हो जाए, तो अब क्या करेंगे सर, मांगेंगे ए बी सी, सर सब बने तो लेफ्ट वाले को पहले खोल देना, ऐसे ही है, ऐसे ही, तो आप बोलेंगे एस ए, ऐसे ही ना बेटा, लेफ्ट वाले को खोला तो लेफ्ट का चाइल्ड कौन है, सी, सी को कितनी आ गई कॉस्ट 1, 1, तो ये 2 हो गई, तो अब बी को खोलेंगे, बी से कितना आया जी, तो ये आंसर आ गया 2, 1 और 1, सी को खोलेंगे, सी से आ गया डी 2, तो हाँ, तो इफ पाथ कॉस्ट इज इक्वल देन
UCS becomes BFS. If path cost is equal, then UCS becomes BFS. इसको आपने क्रॉस वेरीफाई करना है अपनी कॉपी में, ठीक है? थोड़ा सा बता भी दिया मैंने, अगर पाथ कॉस्ट बराबर हो जाए तो यूसीएस बिल्कुल बीएफएस की तरह काम करे, एग्री? और अगर डिसएग्री करते हैं तो इसको आप अपनी कॉपी में करके देखिए, ठीक है? पाथ कॉस्ट इज इक्वल देन यूसीएस बिकम्स बीएफएस, मतलब आप एक ट्री है उसके यूसीएस लगाएं या बीएफएस लगाएं, अगर पाथ कॉस्ट बराबर है दोनों की ट्री सेम बनेगी। आगे बढ़े, अब जो हमारा एल्गोरिथम है वो है डीएफएस। ये डीएफएस के लिए मैंने ट्री डिजाइन किया, ठीक है? डीएफएस याद है सबको, किसी को आप पता है, पता पता है डीएफएस याद करें, हम लोग फिर दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग, दो तीन मिनट में मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं।